दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले माता प्रकृति के गोद में समाना मत भूलिएगा। उनके आंचल में अपने आप को छुपाना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रकृति के बिल्कुल करीब समर्पित करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं भी अपने दोस्तों के संग छत्तीसगढ़ के सबसे घने वन कहे जाने वाले दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के एक छोटे से भूभाग पर ट्रैकिंग करते नज़र आ रहा हूँ। हम लोग ढोलकल पहाड़ी की ओर लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी मंजिल को भेदते हुए हम जिस रास्ते का चयन करते हैं उसमें किसी न किसी कारणवश भटक से जाते हैं। हमारा खिंचाव किसी और ही दिशा में कुछ न कुछ कारणवश हो जाता है, लेकिन जो पक्के और मजबूत इरादे के जो व्यक्ति विशेष होते हैं, वह अपने उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए चलना दिशा को तय करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे साथ भी दोस्तों यही हुआ था। हम भी अपने दोस्तों के साथ जब प्रकृति की गोद में अपने आप को समाहित करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे, तो हम अपने छोटी सी भूल की वजह से रास्ता भटक गए थे। लेकिन रास्ता भटकने के साथ ही, जैसा कि मैं आपको बारंबार आह्वान करता हूँ कि हमारे वनवासी बड़े भोले, सीधे साधे और सहयोगी वृत्ति के होते हैं, हमें भी उस घने जंगल में एक दीदी के माध्यम से रास्ते का पता चला। और उस रास्ते का जब हम लोगों ने चयन किया तो हमारे पास एक अलग सा विषय वस्तु पहले से हमारा इंतजार करता हुआ खड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव के एक परिवार की। वह परिवार अपने पुत्री के संग धान के इस सीजन में धान की कटाई करने के पश्चात उसे अपने खलिहान में एक जगह इकट्ठा करके उसे देखरेख करने का कार्य कर रहे थे। आप देख सकते हैं, इन सुंदर वादियों में जब हम चल रहे थे और जब हम उस मकाम तक पहुँचे तो वहाँ पे अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली घटना हमारे आँखों के सामने घटी, और मुझे ऐसा लगा कि वह आप सभी तक रखना बेहद आवश्यक है। कैसे आज भी हमारा वनवासी परिवार सिस्टम से, विचारधारा से, जागरूकता के अभाव में किस तरीके से आज भी वही वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी उस परंपरा का निर्वाहन किस तरीके से करते हैं, वो आप आज उस बातचीत को, उस वार्तालाप को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। राम राम दादा। हम लोग शिक्षा को लेके जिस बात को हम लोगों ने छेड़ा, हमने उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हुए अपनी बातों को रखा, लेकिन कहते हैं कि सामाजिक जटिलता और जिस तरीके की मापदंड सिस्टम से कटे होने के वजह से जो होता है उसका सीधा उदाहरण आज देख और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वार्तालाप को, इस कन्वर्सेशंस को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स पर अवश्य डालिए। आखिर ऐसी स्थिति आज भी पानी रखिए गुड़िया, पिलाना गुड़िया। तो दोस्तों, इतना ही कहकर क्या मैं गुड़िया का शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। सुनीता, रे दादा लोग को पानी पिला थोड़ा। बता गया ना, ये आपकी बेटी है, इसको पढ़ाई करने क्यों नहीं भेजे? हाँ, लड़का का पढ़ाई। अरे तो लड़की को भी तो पढ़ाना है, लड़का से ज्यादा लड़की को दादा। अरे हमारी मातृशक्ति है, आप ऐसा मत बोलो। ये देखिए, ये सुंदर नजारा,
हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष के गांवों का। इसको हमको तो हम पढ़ाएंगे दंतेवाड़ा में रखे। दादा मजाक नहीं कर रहे, भैया का अपना दो दो स्कूल है। वो लड़का का पढ़ाई करने कहाँ पढ़ रहा है लड़का? छात्रावास में। नौकरी में। नौकरी लग गया तो अब तो इसको पढ़ाओ दादा, उसका नौकरी लग गया तो पढ़ने का। कौन आपका क्या लगता रहा उनको दिए? क्या नियम है दादा? भैया वही पूछ रहे। मामा को दिए? इसका मामा घर गई अपना? मामा के बेटा के लिए गई? मामा के लिए बेटा है। मामा के बेटा के लिए गई? अच्छा, तो अब उसको वही शादी करेंगे फिर बड़े होने से। कितना दूर है उनका घर? मामा का बेटा क्या करता है? घर से ऐसे खेती बाड़ी। कहाँ है उसका घर? पिंडकोंडा। अच्छा, पिंडकोंडा में है। अच्छा, कितने लोग हैं बेटा जो स्कूल नहीं जाते हैं? बहुत लोग हैं। गांव में बहुत लोग हैं। 50 लोग हैं यहाँ। हम लोग विद्यालय लगाएंगे तो कि नहीं? मुंडेर में, मुंडेर आश्रम है। आश्रम है लेकिन नहीं खुला है। खुला नहीं है? दादा सरकार इतना फैसिलिटी देता है बच्चे लोग के लिए पढ़ने के लिए, सबको क्यों नहीं पढ़ाते हो? इनका भविष्य बनाना है ना। आप लोग तो चले गए, ठीक है, अब तो सब साधन सुविधा हो गया। आप लोग का जमाना जैसा भी था दादा, उस समय बिना पढ़ाई के भी चल जाता था। अब बच्चे लोग को पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे होगा? और नौकरी के लिए मत पढ़ाओ। नौकरी का जो बात नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ेंगे। लड़की बहुत होशियार है दादा, इसका बातचीत से लग रहा है कि बहुत होशियार और बहुत होनहार लड़की है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको पढ़ाओ। बस्तर में कुछ एरिया में परंपराएं बहुत अजीब है, जटिल है भैया, जटिल। बढ़िया है। अनजान लोगों को पहली बात भैया एकदम से भरोसा नहीं करते, नहीं करते। पहली बात है, है ना। और बेटिया का जी देखो कितना इच्छा है पढ़ने का जी। आप सोचो उसके मासूमियत को देख के मेरे को बड़ा चेहरे में। वो सही बात है। ये क्या है? ये कुटकी है, कोदो है, कुटकी है। क्या है दीदी लोगे? दीदी बात है दीदी? कोहला ओके कोहला कोसरा। मंदिर का रास्ता यही है ना? और बच्ची भैया अभी भी पलट के देख रही है, पीछे देखो। तो मिलता है ना, सूट कर रहा है। उस पार से आया पहाड़ी के इस पार से, वो जो पहाड़ था उसके नीचे से उतरे हैं हम लोग। आप दिखाए नहीं, ये देखो पहाड़ कितना अच्छा दिख रहा है। वो हाँ भयंकर लोग कवर किए हुए हम लोग। दोस्तों देखिए, चांदनी रात, घनघोर अंधेरा, और इस गांव में मैं कैसे आया, आने के पीछे का कारण क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ।
और हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं ना, यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास के 12 वर्ष बिताए थे।